परिग्रह। साबरकांठा जिले के एक गांव की यह घटना है। भूदान निमित्त विनोबा भावे का एक मिशन हो गया था। भूदान पर कई संतों के व दूसरे महानुभावों के भाषण हुए। जब भाषण के पश्चात सभा पूरी हो चुकी थी, तब एक वृद्धा माजी आई और बोली, हम तो गरीब ठहरे, क्या दे, ऐसा कुछ अस्पष्ट गुनगुनाती थी। आरंभ में तो समझ गया कि माजी कुछ मांगने आई है, परंतु साफ सुनने पर ज्ञात हुआ कि वह मांगने नहीं, कुछ देने आई थी। एक संत के पास आकर कहने लगी, महाराज आपको देने जैसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु 10 बकरियां मेरे पास है, उनमें से एक दूध देने वाली बकरी दे दूं तो आप स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं, विनोबा जी के इस यज्ञ में तो बकरी का दान भी हम स्वीकारते हैं, परंतु इस बकरी को मैं साथ नहीं ले जाऊंगा, यही के ही किसी सुपात्र योग्य मनुष्य को दे दूंगा, जिसे आप ही बताएगी उसको ही दे देंगे। महात्मा ने कहा, मैंने तो बकरी आपको दान में दे दी, अतः आप जिसको भी देना चाहे दे सकते हैं। माँ जी ने कहा, किंतु हम तो किसी को गांव में पहचानते नहीं, इसलिए आप ही किसी दान लेने योग्य मनुष्य को ढूंढ दीजिए। कुछ देर सोचकर माँ जी ने कहा, महाराज हमारे गांव में एल भंगी का लड़का है, बेचारा अकेला है, उसे दे तो ठीक रहेगा। उस भंगी के लड़के को बुलवाया गया। वह मालूम होने पर हंसता हंसता वहां आया। संत ने उसे कहा, ये माँ जी तुझे एक बकरी देना चाहती है, क्या तुम उसका पालन करोगे? उसने बड़ी प्रसन्नता से हाँ की। बकरी उसे दे दी गई। वह आनंद विभोर हो उठा। दोपहर को भोजन के पश्चात चरखा कात रहे थे, तब वही माजी फिर से आई और बोली, महाराज मैं अकेली हूँ, मेरे पास 2 घर है, एक में तो मैं रहती हूँ और दूसरे में बकरियों को रखती हूँ, परंतु बकरियाँ तो जिस मकान में मैं रहती हूँ वहाँ ही रह सकती है, अतः यह जो मेरा दूसरा घर है यह भी दान में ले लीजिए। कुछ देर तक संत माजी की ओर देखते रहे। औरों के लिए उसकी त्याग की यह वृत्ति देखकर सभी को बहुत आनंद हुआ। सोचने लगे कि सभी की वृत्ति ऐसी हो जाए तो भारत देश स्वर्ग बन जाए। फिर माजी से ही पूछा गया, माजी आपके गांव में कोई बिना घर का आदमी हो तो बताओ, यह मकान उसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा। थोड़ी देर सोचकर माजी ने कहा, हाँ महाराज एक चौकीदार है, यदि उसको देंगे तो वह बहुत खुश होगा। उस चौकीदार को बुलाया गया। वह आया, तब उससे पूछा, आपके पास घर नहीं है क्या? उसने कहा, नहीं महाराज। तो बांधते क्यों नहीं? बांधू तो सही महाराज, किंतु न जमीन है न रुपया। यह माजी यदि आपको रहने के लिए घर दे तो आप लेंगे? आनंद में आकर वह बोला, क्यों नहीं, किंतु घर को कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा। वह कहता है, वह तो मैं कर लूंगा बाबा जी, लेकिन एक शर्त और है, ये माजी जिएगी तब तक इनकी सेवा करनी पड़ेगी। संत ने हंसते हंसते कहा। सेवा की बात सुनते ही पास बैठी हुई माजी तुरंत बोल उठी, ना ना महाराज, सेवा कराने के लिए मैं उसको घर नहीं दे रही हूँ, उसके पास है नहीं और मेरे पास एक ज्यादा पड़ा है, इसलिए मैं उसे दे रही हूँ, मुझे बदले में सेवा नहीं करानी है। मेरी तो आपसे इतनी सी विनती एक और है कि कुछ ऐसी लिखित करवा दीजिए जिससे मेरे मर जाने के बाद भी यह घर कोई इससे छीन ना सके। माजी की यह बात सुनकर सभी विचार मग्न हो गए। सभी को लगा कि माजी नहीं बोल रही है, किंतु माजी के मुख से भारत की परंपरा में चली आई त्याग प्रधान संस्कृति ही बोल रही है। जय आनंद।